स्प्रिट भी बनाकर रखें, खाली वीडियो गेम्स में ना रहें, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज उनकी हो, इसके लिए घर पर भी हमें सबको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले माँ बाप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, फिर बच्चों को भी कहें कि स्क्रीन टाइम धीरे धीरे करके कम कर दें। और ये बच्चों में नेतृत्व की भावना, सामूहिकता की भावना, राष्ट्र की भावना विकसित करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, और समय समय पर गेम्स होते रहने चाहिए। नहीं, स्क्रीन टाइम आप दीजिए लेकिन अपने गाइडेंस के अंदर, ऐसा नहीं है कि आप उनको फोन देके छोड़ रहे हैं और अपना काम में लगे हैं, अपने गाइडेंस ज्यादा ध्यान दें, खेलें जैसे पहले लोग खेलते थे, खो खो, कबड्डी, ये सब चीजें, या छुपन छुपाई, ऐसे गेम्स, ये दोबारा होने चाहिए ये सारी चीजें। तो इसी पे नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं, हम रुड़की के एल डी ए वी इंटर कॉलेज के प्रांगण में, और आपको बता दें यहाँ पर यूरो किड्स प्ले स्कूल के द्वारा यहाँ पर हेल्थ इज वेल्थ डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया जा रहा है, और पेरेंट्स हो, बच्चे हो, और स्कूल के स्टाफ यहाँ पर देखते हैं अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं क्या कहा अतिथियों ने और क्या कहा पेरेंट्स ने। यूरो किड्स जो प्ले स्कूल है, जिसको हम लोग पिछले लगभग 14 साल से चला रहे हैं, 2010 से, और इसमें चार क्लासेस हैं, प्ले, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर यहाँ पूरा ध्यान दिया जाता है। आज जो हेल्थ इज वेल्थ डे है, ये उन्हीं में से एक एक्टिविटी है जहाँ पर बच्चों की हेल्थ को लेकर, यानी एक तरह से स्पोर्ट्स डे है बच्चों का ये, और इतने छोटे बच्चे जिनकी एज आप समझ सकते हैं कि यूकेजी तक कितने छोटे हैं, तो उन सबकी यहाँ पर लगातार रेसेस हैं, उनके आसन हुए हैं, उनके एरोबेटिक्स हैं, और पेरेंट्स के साथ भी उनकी रेसेस हैं। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज से मिलकर ये हेल्थ इज वेल्थ डे है। तो यहाँ पर हमारी कोशिश यही रहती है कि सब बच्चे अपनी हेल्थ के लिए अभी से अवेयर हों, तो उसी को लेकर ये फंक्शन हो रहा है। सारे पेरेंट्स ही बहुत उत्साह से इसमें आए हैं और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी यूरो किड्स इसी तरह से काम करता रहेगा। प्रकृति ने हमें बहुत सारी गुण दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें खुद विकसित करनी पड़ती हैं। तो धीरे धीरे जहाँ पर हम हेल्थ को लेकर, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे घर का एनवायरनमेंट है, वो भी बेटर होना चाहिए। स्कूल में तो हम लोग प्रयास करते ही हैं, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें कि वो हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें, और स्क्रीन टाइम कम रखें, अपना मोबाइल पर कम एक्टिविटीज़ करें, और अपने स्पोर्ट्स स्पिरिट भी बनाकर रखें, खाली वीडियो गेम्स में ना रहें, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ उनकी हो, इसके लिए घर पर भी हमें सबको ध्यान देना होगा। ये मैं कहूँगा यूरो किड्स के संचालक श्री मयंक गुप्ता जी का ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और ये बच्चों में नेतृत्व की भावना, सामूहिकता की भावना, राष्ट्र की भावना विकसित करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, और समय समय पर गेम्स होते रहने चाहिए। देखिए जी, मोबाइल का आजकल जो है, सबसे पहले माँ बाप को देखना चाहिए कि वो खुद स्वयं ही बच्चों के सामने मोबाइल का उपयोग ज़्यादा ना करें। मोबाइल का उपयोग जब वो देखते हैं कि माँ बाप ही स्वयं ज़्यादा कर रहे हैं, तो बच्चा भी उस तरफ जो है इंक्लाइन होता है, और वो भी जो है उसका ज़्यादा ध्यान उसकी तरफ केंद्रित होता है। तो सबसे पहले माँ बाप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, फिर बच्चों को भी कहें कि स्क्रीन टाइम धीरे धीरे करके कम कर दें। जी, हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा मोबाइल मीडिया वगैरह से दूर रह करके फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान दें, खेलें जैसे पहले लोग खेलते थे, खो खो, कबड्डी, ये सब चीज़ें, या छुपन छुपाई, ऐसे गेम्स, ये दोबारा होने चाहिए ये सारी चीज़ें। तो इसी पे इसमें तो ये कि पेरेंट्स को थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए वो क्या देख रहा है, क्योंकि अच्छी चीज़ें भी हैं, बच्चे सीखते हैं उससे, काफ़ी चीज़ें सीखते भी हैं, पर ये कि आंखें खराब हो जाती हैं, डिसएडवांटेज भी हैं तो एडवांटेज भी हैं उसके, तो है ना। पर ये है कि छोटे बच्चे हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किड्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्कूल से हम बहुत खुश हैं, स्कूल से बहुत खुश हैं, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम्स वगैरह, जिसमें बच्चे पूरा अपना सहयोग देते हैं अपना। नहीं, स्क्रीन टाइम आप दीजिए लेकिन अपने गाइडेंस के अंदर, ऐसा नहीं है कि आप उनको फोन देके छोड़ रहे हैं और अपना काम में लगे हैं, अपने गाइडेंस के अंदर उनको स्क्रीन टाइम दीजिए। जरूरी है फोन देना, आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स यूट्यूब पे आ रहे हैं जो प्ले ग्रुप किड्स के लिए, नर्सरी किड्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। नहीं, यूरो किड्स, मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगी यूरो किड्स स्कूल का कि उन्होंने अपने आरे बच्चों को इतना इंगेज रखा हुआ है एक्टिविटी में, कि वो इतना डेवलप हो पा रहे हैं कि आउटडोर वो एक्टिविटी परफॉर्म, आजकल इतना टाइम नहीं है कि हम बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा पाए,
तो यूरो किड्स में स्कूल में आगे बच्चों को ये इतना मिल पा रहा है कि वो अपना स्कूल में भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो घर जाके बच्चा बहुत हेल्दी रहता है, बहुत उसका माइंड से भी हेल्दी रहता है, फिजिकली एक्टिविटी नहीं एक्टिव नहीं हूँ, माइंड से भी एक्टिव रहता है। वहाँ स्पोर्ट्स डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं जिसे हम हेल्थ इज वेल्थ डे कहते हैं, और आज की जो हमारी थीम है वो हमारे सेंसेस के ऊपर बेस्ड है। तो यूरो किड्स का हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चों को बचपन से ही उनको ओवरऑल उनका डेवलपमेंट किया जाए। इसके लिए रेगुलर स्कूल में योगा क्लासेस होती हैं, यूरोफिट सेशंस चलते हैं, और आज उसी का एक तरह से कल्मिनेशन डे है जो पूरा साल हमने बच्चों को सिखाया है। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग प्ले ग्रुप के बच्चों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो टीम वर्क करते हैं, कैसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बचपन से ही उनको इन्हांस किया जाता है। तो यही हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा दें जिससे कि उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को उसको घर पे मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में एक रिस्ट्रिक्शन है, हम लोग घर की चीज़ें नहीं मॉनिटर कर सकते। हम पेरेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं, उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि लिमिटेड स्क्रीन टाइम और मोबाइल्स। देखिए, एक ना कहीं पेरेंट्स को उस पर नो अपना लगाना पड़ेगा। अगर मदर पूरा टाइम व्हाट्सएप कर रही हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चों से कि वो उसको नहीं देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स को अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि हम अपना स्क्रीन टाइम कम करें।